वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी आईफोन 12 के बारे में। सो गाइस, आज वो मेरे पास फोन है। सो पिछले वीडियो में मैं जैसा कि पहले बताया था कि इसका हम लोग कैमरा रिव्यू करने वाले थे और इसका बैटरी परफॉर्मेंस से लेकर डिस्प्ले परफॉर्मेंस सब कुछ आप लोगों को बताने वाले थे। सो गाइस, आज वो वीडियो फाइनली हम लोग शूट कर रहे हैं और इसका फुल डिटेल आप लोगों को वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो गाइस, चैनल पर नया हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा ताकि मेरे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। सो गाइस, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं आईफोन 12 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये अभी मैं शूट कर रहा हूँ आईफोन 12 से। सो आप लोग देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी किस तरह की आ रही है। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और काफ़ी धूप है, उसके वजह से आप लोग लाइटिंग अभी देख सकते हैं कि अपर्चर किस तरह के शूट हो रहा है और किस तरह की ये कलर ग्रेडिंग कर रही है। सो अभी दिखाते हैं आप लोगों को डायरेक्ट का धूप जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सीधे मेरे फेस पे पड़ रहा है अभी। सो इस तरह का भी कलर ग्रेडिंग होता है इसका और कुछ जूम आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का जूम है इसका। ज़्यादा क्लियर वीडियो तो नहीं देता है जूम पर ठीक ठाक है। और इसका जब कैमरा एडजस्टमेंट होता है तब तक काफ़ी आफा था इसका। सो आप लोग को पूरा वीडियो तो आप लोग को देखने में यही मिलेगा कि इसका पिक्चर क्वालिटी पिछले पुराने एंड्रॉयड मोबाइल से तो काफ़ी बेहतर है। अगर आप लेना चाहेंगे आईफोन 12 तो मैं मिनी तो सजेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग को आईफोन 12 ही लें। आईफोन 12 का बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, लगभग 12 घंटा आप लोग यूज़ करेंगे अगर लगातार तो 8 घंटा चलेगा, और वैसे यूज़ नहीं करेंगे तो 12 घंटा आप लोग चल जाएगा। सो कुछ इस तरह का वीडियो है। सो आप लोग डेमो देखिए, कुछ सिनेमैटिक आप लोग को दिखाता हूँ। मैं चल के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि रनिंग के मुकाबले चलने में स्टेबलेशन काफ़ी अच्छा है। अगर सिनेमैटिकली आप लोग को लेना है तो आप लोग को निंजा वॉक करना पड़ेगा, तभी और भी अच्छा यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है इसमें। सो इस तरह का रिकॉर्डिंग मिलता है आप लोग को चलने पर स्टेबलेशन इसका। अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं आईफोन फ्रंट कैमरा। सो इसका जो फ्रंट कैमरा है तो कुछ इस तरह का क्वालिटी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। सो मेरे हिसाब से ये पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बेहतर है एंड्रॉयड के मुकाबले। बेसिकली एंड्रॉयड भी आजकल बहुत ही अच्छे हो चुके हैं, पर मुझे तो आईफोन बेस्ट लगता है, तो आईफोन में आप लोग को इस तरह का क्वालिटी मिलेगा। सो आप लोग देख रहे हैं। सो अभी मैं राउंड पूरा होकर दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरह की क्वालिटी आ रही है इसमें। मेरे हिसाब से तो बेस्ट क्वालिटी है, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी मैं रनिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह का शूट होता है यहाँ पर और इसका स्टेबलेशन किस तरह है। अभी शूट करने वाले हम लोग स्लोमो में, स्लोमो वीडियो अभी करेंगे शूट, जो 240 पे FPS पे शूट करने वाला जो स्लोमो अच्छा रहता है। उसके बाद 120 है उस पर भी शूट करके देखेंगे कि किस तरह उसमें शूट करने पर किस तरह की क्वालिटी आता है। सो ये वीडियो विदाउट एडिटिंग रहेगा, कोई भी कलर ग्रेडिंग नहीं होगा, कोई भी कुछ भी इसमें एडिटिंग नहीं करूँगा। सो आप लोग देख पाएंगे कि किस तरह का वीडियो क्वालिटी अभी इसमें डायरेक्ट आता है। सो मेरे साथ अभिषेक और पवन आए हुए, सो अभी स्टंट करके हम लोग को दिखाने वाले हैं। सो इन लोगों का वीडियो मैं शूट करके दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरह का बने आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल तो वीडियो इतना ही रहेगा। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।